So hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry, welcoming all of you to our videos channel, Abhishek sir chemistry ASC. So अक्सर होता क्या है, होता ये है कि जब मैं पढ़ाता रहता हूँ तो उस समय बहुत से बच्चे कुछ ना कुछ चैट में लिखते रहते हैं, बहुत सारे अपने क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, बट पढ़ाते तो पढ़ाते मैं इतना खो जाता हूँ कि मैं इन बच्चों के चैट्स को देख ही नहीं पाता, रिप्लाई कर ही नहीं पाता। बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं चलती रहती है कि सर ये आ गया है, वो आ गया है, कैसे पढ़ना है, प्रीलिम चालू हो गया है, सर बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल है तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे प्रिपरेशन करनी है, सर मेरा ये पार्ट वीक है, सर मेरे इतने बैकलॉग्स है। तो फिर आज के सेशन के अंदर मैं आपके सबके डाउट्स देने वाला हूँ, मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के जो भी मन की बात है आप अपनी पूछ सकते हो, मैं आपको उसका एकदम बेस्ट सजेशन दूंगा एज अ मेंटर कह सकते हैं हम लोग। क्योंकि देखो जब भी हम पढ़ते रहते तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम सही तो कर रहे हैं, हम सारी की सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, पूरा का पूरा एफर्ट्स तो लगा रहे, पर कमी कहां पर आ जा रही है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि कहां पर कमी है इस पूरे के पूरे प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजीज के अंदर। तो चलिए शुरुआत करेंगे, एक एक करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, एक एक करके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस देखते हुए चलूंगा और आपको डाउट्स के आपके क्लियर करते रहूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस सेशन को। ऑलराइट, चलो यहां पर देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलो एक बार, एक सेकेंड, मैं आपको लाइव, राइट, एकदम अच्छी तरीके से आवाज क्लियर हो गई रहेगी, राइट, मैं यहाँ पर इस सेशन को ऑन कर देता हूँ सो दैट आपके कमेंट्स मेरे को डायरेक्टली यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, चलो। सो मैंने स्लो मोड एंड ऑन कर रखा है, सबको एक एक करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबके क्वेश्चंस को सो दैट मैं आराम से ले सकूं। ठीक है, चलो जी, चलो। ठीक है, चलो देखो अब एक एक करके पूछ देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फिर, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर देखो सबसे पहले, देखो अनुरा, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, आराम आराम से पूछो बच्चों, क्योंकि कैसा है ना, वो नहीं हो जाना चाहिए, क्या कहते हैं, जंबल अप नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, वन सेकेंड। ठीक है, आराम आराम से पूछना। ठीक है, वन सेकेंड। हाँ, थोड़ा सा ना चैनल एक्टिविटी, रुको वन सेकेंड सर, एक सेकेंड, आराम से। ठीक है, आराम आराम से पूछो ना बाबा, आराम आराम से पूछो ना, थोड़ा इंसान को भी टाइम दो ना, थोड़ा सा पूछ देखने का। ठीक है, वन सेकेंड, आराम आराम से, थोड़ा आराम से बेटा, स्लो मोड ऑन किया एक मिनट का, फिर भी इतना वो कर रहे हो। ठीक है, एक का भी डाउट नहीं पढ़ पाऊंगा मैं अगर ऐसा करोगे तो। देखो थोड़ा सा ना और स्लो मोड ऑन करना पड़ेगा लगता है, आराम आराम से। ठीक है, आराम आराम से। ठीक है, आराम आराम से पूछना है, चलो। ठीक है, एक सेकेंड, अरे रुको रुको, ये भी ना पता नहीं ऐसे क्यों कर रहा है। ठीक है, वन सेकेंड रुको, आराम आराम से लेते हैं। हाँ डाउट्स, देखो मेरे को ऐसा आदत तो नहीं है वैसा डाउट आउट लेने का। इधर चले गया, इधर गया बाबा, चैट ही, चैट सेक्शन ही किधर चले गया, एक मिनट रुको, शो चैट। हाँ हाँ रुको, एक सेकेंड, रुक जाओ ना, थोड़ा आराम से ना, आराम से ना, ये हावरेट वाला काम क्यों कर रहे हो। हाँ शादी में थोड़ी ना बुलाया कि सर आगे आपके शादी में भी खाना खा के जाएंगे फटाफट। ठीक है, चलो रुक जाओ ना, थोड़ा आराम से। ठीक है, नहीं हो पाएगा मेरे को लग रहा है, रुको रुको वन सेकेंड, यहां से भी चैट देख सकता हूँ मैं वैसे तो। ठीक है, यहां से देख लेता हूँ, वही बेस्ट होगा। ठीक है, यहां से भी, लैपटॉप से भी तो देख सकता हूँ, ये तो मैं भूल ही गया था, अभी याद आया। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। हाँ सर का, एक सेकेंड ना रुको। ठीक है, हाँ रुको, आराम से चलो स्टार्ट करते। ठीक है, सर अभी से कैसे शुरू करूं, संपदा पूछ रही है। संपदा देखो अभी से कैसे शुरू करने का ना, उसको तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बताया कि कैसे अभी से शुरू करने का। ठीक है, बट अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर अभी से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, तो देखो मैं आपको वापस से एक बार एक चीज समझा के दे देता हूँ। सिंपल, देखो अभी भी आपके मन में, देखो एक पहली बात एक समझ लो, मेरी बात को एक समझ लो, आप कभी भी ना बेटा 100% सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, यह असंभव है क्योंकि अपने पास टाइम भी कम है। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है, अपने को ना कुछ ना सिलेक्टेड चैप्टर्स ही करने। तो देखो कैसे, पहले ना एक टाइम बाउंडेशन बना लो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आज 21 तारीख है, ठीक है, अगर आज 21 तारीख है, 21 है, ऑलराइट, अभी भी अपने पास ना 31 यानी कि 31 का महीना है ये, तो अभी भी अपने पास कितना दिन है, अपने पास अभी भी 10 दिन है। ठीक है, 10 दिन है, तो अब आप क्या करो पता है क्या, अब आप कम से कम एटलीस्ट 5 चैप्टर का टारगेट करो, ऑलराइट,
कितने चैप्टर्स का टारगेट करो आप, 5 चैप्टर्स का टारगेट करो कि आपके 5 चैप्टर तो होने चाहिए एटलीस्ट इन 10 दिनों में, 5 चैप्टर का टारगेट करो। आप 5 चैप्टर कैसे करोगे, देखो सबसे पहली बात तो ये है ना, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा करके जाते हैं, इंपॉर्टेंट ये कि आप कितने अच्छे से करके जाते हैं। मैं वापस से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने अच्छी तरीके से किसी चीज को करके जाते हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा करके जाते हो। ज्यादा आप करके जाओगे, एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का है, उस 3 घंटे के अंदर अगर आपका दिमाग नहीं चला तो क्या ही मतलब है। इससे अच्छा देखो क्या करो ना, इससे अच्छा थोड़ा करके जाओ, अच्छे से करके जाओ। अभी 5 चैप्टर का ट्राई करो, देखो टारगेट सेट करो। आप ऐसा ना, अगर ऐसे पढ़ते रहोगे ना कि हाँ मैं आज पढ़ रही हूँ, फिर मैं कल पढ़ रही हूँ, फिर परसों मैंने थोड़ा नहीं पढ़ा, तो ऐसे में आपका प्रिपरेशन कभी नहीं कंप्लीट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा टारगेट सेट करो कि हाँ मेरे को ये आज कल परसों नरसों संडे तक मेरे को इतना इतना करना है। टारगेट सेट करो, आप खुद से आपका टारगेट बनाओ। मैंने 5 बोला, इसका मतलब आप 5 ही नहीं कर रहे। अगर आप थोड़ा और फास्ट हो गए तो आप 6-7 भी कर सकते हो बेटा, राइट। इट इज अप टू यू कि आप कितने फास्ट हो, आप कितना कम सोते हो, आप कितना अपने फोन को यूज कम करते हो। इंस्टाग्राम पे रील तो बंद ही कर देना, अभी देखना ही नहीं है सबको, ठीक है। कोई भी फालतू का चीज देखना ही नहीं है यूट्यूब पर, बस खाली पढ़ाई पे ध्यान देना है, दैट्स इट। इतना आप दिमाग में बैठा हो, और अभी भी पॉसिबल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो जब ना बच्चे लोग को, मैं एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखना, वन सेकेंड मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुकना खाली, ये देखो, ये यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा ना, ये आपने देखा है, क्या देखा है पता है, ये है अपना टाइम टेबल, ठीक है। ये आई होप आपको टाइम टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, वन सेकेंड, देखो बैकग्राउंड में ओपन हो गया रहेगा, ठीक है। ये देखो, अब मैं आपको एक चीज बताऊँ क्या, यहाँ देखो फोकस करना। हाँ देखो, इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको और अच्छे समझेगा। देखो यहाँ पर ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखना, जो अपना केमिस्ट्री का एग्जाम है वो है 29 को। मैं राइट की रॉन्ग हूँ एक बार मेरे को चैट में बताना, 29 को ये है ना केमिस्ट्री का एग्जाम, राइट। सो 29 को अगर केमिस्ट्री का एग्जाम है, इतना सबको समझ में आ रहा है, तो कितने दिन की छुट्टी मिल रही है, कितने दिन की छुट्टी मिल रही है। देखो 27 को आपका फिजिक्स है, मैं एक बार राइट है ना टाइम टेबल अपना राइट है ना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन की छुट्टी मिल रही है, मतलब वन डे खाली, यू हैव ओनली वन डे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन है। अब आपको उस एक दिन के अंदर आपको रिवाइज करना है, समझ में आया कि नहीं, आपको उस एक दिन के अंदर ही रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे आप खुद से सोचो, देखो दिमाग लगाते हैं अपन, ठीक है। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि 29 फेब को आपका एग्जाम है, किसका एग्जाम है, केमिस्ट्री का एग्जाम है बेटा, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना कितना दिन का टाइम है, एक ही दिन का टाइम है, एक दिन का टाइम है, वन डे खाली आपके पास एक ही दिन का टाइम है। तो अब करना क्या, देखो आपको ना कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हो ना, तो अक्सर होता क्या, देखो आप लोग तो बोर्ड का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हो, तो और मैं पहले से देखते आ रहा हूँ कि बच्चों का होता क्या है, बच्चे ना पढ़ के तो बहुत सारा रख लेते, बट ये जो एक दिन का टाइम है ना बेटा, कौन सा वाला, ये वाला जो एक दिन का टाइम है ना वन डे के अंदर, इसके अंदर ये पूरा रिविजन नहीं हो पाता फास्टली, होता है बच्चों के साथ। तो लास्ट पता है क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एकदम मस्ट वाली चीज बताता हूँ। अगर आप हो ना यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर हो ऐसे करके, ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि आपका होम है, ठीक है, ये आपका घर है, और यहाँ पर ना आपका ना एग्जाम वाला एग्जाम है, ठीक है, आपकी एग्जाम है, तो आपको पता है कि ये जो एग्जाम का सेंटर है यहाँ पर है, ठीक है, एग्जाम का सेंटर यहाँ पर है। तो आप क्या करते हो पता है, आप रोज इसी रास्ते से जाते हो, ऐसा सीधा सीधा, रोज इसी रास्ते से जाते हो सीधा सीधा, ऐसे जाते रहते हो सीधा सीधा, ऐसे जाते रहते हो सीधा सीधा। बट जब लास्ट का दिन रहता है ना, जिस दिन सच में ऐसे सीधा जाना चाहिए, बट प्रेशर के नाते हम कह सकते हैं कि एकदम ज्यादा बच्चों पर ना प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एक ही दिन में इतना कुछ करना है, तो बच्चे क्या कर देते ना, बच्चे कुछ रास्ता चेंज कर लेते, और जब रास्ता चेंज कर लेना तो वो लोग भटक जाते, वो लोग मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। समझ में आया कि नहीं आया, समझा कि नहीं समझा। तो एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, जो आप रोज करते हो वही। मैंने आपको पहले भी बताया कि आईएमपी के पीछे मत भागना, जनवरी से तुम लोग का यही दिमाग में चलेगा कि अपने को आईएमपी करने का, अपने को आईएमपी करने का। फिर किसी के दिमाग में चलेगा खाली प्रीवियस ईयर करेंगे, कोई बोलेगा कि सर खाली 5 साल का सैंपल, 5 सैंपल पेपर सॉल्व करके जाओ, चलेगा क्या? ये सब फालतूगिरी मत करो। इसमें से ये पेपर है, इसमें से 99.9% आएगा, इसमें 100% इसी पेपर में से आएगा, यही है कल पेपर में यही दिखेगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा, समझा। ऑनेस्ट टॉक का मतलब होता है कि जो है वो सच में आपसे बात करूं, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, आपका एक तरीके से आप मेरे को एज अ इंस्पिरेशन के तौर पे भी लेते हो, बहुत से बच्चे लेते हैं, तो जस्ट मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ आपको उसको फॉलो करना है। आपको एटलीस्ट 10 से 12 चैप्टर्स करके जाओ, ठीक है, 12 चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ एटलीस्ट। अभी भी टाइम है, कर सकते हो यार, अब अभी वन शॉट चालू होने वाला है अपना थोड़े दिनों के बाद,
राइट, कल से रेगुलर लेक्चर्स में लेने वाला हूँ, ये भी आपको पता है। अभी इतने दिन से नहीं ले रहा था, बच्चों के प्रीलिम्स चल रहे थे, ये वो, कल से सबके रेगुलर लेक्चर चालू हो जाएंगे। तो अब आपके पास ना 12 चैप्टर्स है, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है कि सिंपल तरीके से कि सर मैं अगर 27 फेब को पेपर दे के आऊंगा फिजिक्स का, पहले से ही मेरा मूड खराब रहेगा। क्यों खराब रहेगा? क्योंकि सबको पता है फिजिक्स कैसा जाने वाला है। सच ना, झूठ थोड़ी ना बोलूंगा, ऑनेस्ट टॉक लिखा है यार, ठीक है। और वैसे भी अज्जू सर से बहुत बच्चे पढ़ नहीं रहे, सीरियसली पढ़ो, ठीक है। सर बता रहे हैं कि बच्चे कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, आना चालू करो, मेरे को पता है प्रीलिम चालू है, बट आओ लेक्चर्स में। 29 फेब, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो एकदम मस्त मजा आ जाएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को कॉल करके पूछना भाई कितना पढ़ के हुआ, वो लोग देखो बोलेंगे कि भाई अभी पहला दूसरा चैप्टर लेके बैठा हूँ, तुम लोग मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे मस्त कर लोगे, ठीक है। याद देख लो, 27 को आप दे दोगे 11 से 2 का पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टाइमिंग है वो 11 से 2 का है, 11 to 2 PM है, ऑलराइट। ये 2 बजे आप पेपर देके छूटे, अब छूटते मान मेरे को बताओ तुम लोगों को कितना टाइम लगेगा घर पे पहुंचने में। अब तुम बोलोगे कि सर अभी तो हॉल टिकट आया नहीं, सेंटर पता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा, 1 ही घंटा लगेगा, 1 घंटे में तुम लोग घर पे टच हो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप 1 घंटे में घर पे टच हो जाओगे, 2 बजे छूटोगे, 3 बजे तक घर पे पहुंच जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 4 बजे तक घर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना, हाँ क्या, अभी एक चीज जो मैं आपको बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इधर फोकस करना, एक बार मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। देखो आप लोग 2 बजे तक घर पे ऐसे छूट गए, ठीक है, फिर उसके बाद 2:30 तक इधर कॉलेज के आजू बाजू भटकते रहोगे, और भटकने के बाद एक दूसरे को बोलते रहोगे कैसा गया कैसा गया, सब बोलेंगे खराब गया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मेरा न्यूमेरिकल मैंने किया नहीं। हाँ ये देख, मैं यही बोलोगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे को एक्सपीरियंस है, बोलोगे मेरा न्यूमेरिकल हुआ नहीं, मैंने न्यूमेरिकल किया ही नहीं, मैं क्या करूँ, ऐसा वैसा आया ही नहीं, ए ऑब्जेक्टिव, फिर उसमें देखोगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है, अरे ए मार्क कर दिया, अरे बाबा 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 सी मार्क करना था, बन गया ना सी, चैंपियन, ठीक है। तो ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो अब करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री का टीचर हूँ, केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। 27 को पेपर देके आ गए ना, कितने बजे तक आ गए, 2 बजे आ गए, एक काम करते 4 बजे तक घर पे टच, ठीक है, 4 बजे तक, भाई 2 घंटा दे दिया मैंने, घूम घूम के भी आओगे ना तो भी 4 बजे तक घर पे पहुंच जाओगे, और जल्दी पहुंचना है क्या, क्योंकि एक ही दिन का टाइम है, यहाँ देख लो कितने दिन का टाइम है, खाली 1 डे है आपके पास, 1 डे है। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ कि प्लीज मैं जो कहता हूँ उसको फॉलो किया करो, अगर उसको फॉलो करोगे ना तो फिर लाइफ में आगे चले जाओगे, इस बात को समझो मेरी बात को, ठीक है, क्योंकि मैं लॉजिकली बात करता हूँ, इलॉजिकल बात मैं नहीं करता, ठीक है। यहाँ देखना, 11 से 2 बजे 3-4 बजे तक घर पे पहुंच जाओगे आराम से, हाँ क्या 4 बजे तक तो घर पे पहुंच ही जाओगे, जहां तक मेरे को पता है, ठीक है, ट्रैफिक वैफिक रहा तो भी पहुंच जाओगे, ऑलराइट। अब ध्यान से सुनना, पहुंच गए ना, एक बार 4 से 5 बजे तक ना ऐसे थोड़ा सा पहले नाश्ता कर लेना, ठीक है, नाश्ते में कुछ अच्छा अच्छा खा लेना, पोहा हुआ कुछ खा लेना, ऑलराइट, या तो रोटी ले लेना चाय के साथ खा लेना, कुछ अच्छा खा लेना, ऑलराइट। फिर 4 बजे 4 से 4:30 तक नाश्ता कर लेना, ठीक है, फॉलो करना क्या नाश्ता करना, ऑलराइट, इडली इडली जो भी कुछ मिलेगा खा हुए लेना, घर पे जो भी देंगे दे देना, घर वाले पूछेंगे पेपर कैसा गया, बोलना बहुत अच्छा गया, ऐसा गया कि देखा ही नहीं गया, ठीक है। 4:30 हो जाएगा, फिजिक्स की बात करता मैं, फिर उसके बाद 4:30 हो गया, फिर उसके बाद एक काम करना, आधा घंटा आराम से सो लेना, ठीक है, 5 बजे तक। अब बोलोगे सर मेरे को नींद नहीं आ रहा है, मेरे को एंजाइटी हो रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रहा है, नींद मेरे को भी नहीं आती है, मैं खुद नहीं सो पाता, तुम लोग का टेंशन रहता है ना इसके लिए। तो क्या करना, आंखें बंद करना, भगवान का नाम लेना, जिसको भी मानते रहोगे उनका नाम लेना, आंखें बंद करके रखना, लेट जाना, लेट ना मतलब समझते है ना, क्योंकि 3 घंटा यहाँ पे पेपर देके आओगे ना 11 से 2, तो थोड़ा पीठ वीट दर्द करेगा तुम्हारा, ठीक है, तो फिर ट्रैवलिंग वेलिंग भी करके आओगे, तो आधा आधा घंटा आराम से लेट लेना, थोड़ा आराम आराम कर लेना, ठीक है। फिर 5 बजे आना यूट्यूब पे, किधर आओगे, यूट्यूब पे 5 बजे आना, ठीक है, आप देखना ध्यान से सुनना, ये हो गया 5। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ से तुम्हारी नैया मैं ही पार कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इधर देखो 5 बजे, ठीक है, याद रखना टाइम, याद रखना टाइम चेंज नहीं होगा, 5 बजे, जैसे 5 बजेगा मस्त की नेटवेट रिचार्ज रिचार्ज करा लेना, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 बजे तक लेक्चर होगा, कितने बजे तक लेक्चर होगा, 11 बजे तक लेक्चर होगा, ठीक है। अब देखो मैं पहली स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ, अगर कहीं कॉपी वॉपी हो गई तो फिर बोलना मत मैंने कॉपी किया था, ठीक है, तुम ही लोग कॉपी, तुम्हारे दोस्तों यही कॉपी करेंगे स्ट्रैटेजी, तुम्हारे दोस्तों को पूछना कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई यही बताएंगे, देखना फिर तुम लोग बोलना बस क्या भाई मैं भी देख के अभिषेक सर का वीडियो। देखो 5 से लेकर के 11 कितना घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, ठीक है, ये 6 घंटा। अब ये 6 घंटे में मैं क्या कराऊंगा, तुम लोग खुद से सोचो, ये 6 घंटे में मैं आपको क्या कराऊंगा, ये भी कोई सोचने वाली बात है, महारिविजन कराऊंगा। अच्छा महारिविजन क्या होता है, 1 घंटे में 1 चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है, कितना, 1 घंटे में 1 चैप्टर आराम से कर देंगे, और स्ट्रैटेजी सुन लो मेरी, 6 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 6:30 घंटा होगा, 6:30 मैंने लास्ट टाइम लिया था, मैं एक बार देख लेता हूँ कितना, एक बार टाइम देख लेता हूँ,
लास्ट टाइम जो लेक्चर लिया था कितने घंटे का था, एक बार कोई देख के बताना मेरे को, ठीक है? एक बार कोई देख के बताना, ठीक है? रुको, ध्यान से देखना। लाइव में गए थे अपन लास्ट टाइम बहुत से बच्चे लोग को पढ़ाया था, दिखाता हूँ। देखो लास्ट टाइम 3,20,24,000 तक कराया था, देखो 6 घंटा 34 मिनट में खत्म कर दिया था, ठीक है? ऑलराइट, ये कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री कराया था, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा था, ठीक है? तो 6 घंटा 34 मिनट मतलब 6 साढ़े 6 घंटा पकड़ लो, ठीक है? थोड़ा रेस्ट वेस्ट भी लूंगा 5-5 मिनट का, भाई बोलते बोलते पूरा गला दर्द करेगा मेरा, ठीक है? तो 6 घंटे में आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो कितना बज गया, 11 बज गया। अब तुमको क्या करना, खाली थ्योरी कराऊंगा, न्यूमेरिकल एग्जाम के जस्ट जस्ट जैसे ही इधर पे जब जा रहे होगे ना 29 को देने के लिए, तभी कराऊंगा। अच्छा, ये मैंने कौन से दिन कराऊंगा बताया, कौन से दिन कराऊंगा मैंने बताया, बताओ जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। ये मैंने आपको बताया कौन से दिन का बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसका, किसका बता रहा हूँ, इसका 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 27 फेब का, एवडा कर लगा सकता है, 27 फेब का बता रहा हूँ मैं आपको। अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको ना मस्त की रात को 2 बजे तक जागना है या तो 1 बजे तक, आपको प्रैक्टिस करना है। जो जो मैं चीज वहां पे बताऊंगा, जो जो चीज मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और याद रखना जो जिस जिस क्वेश्चन के ऊपर मैं ऐसा स्टार मार्क करूंगा तो समझ जाना 100% आएगा। हाँ, क्या जलवा है पहली बता दे रहा हूँ, ठीक है? हल्के में मत लेना। फिर उसके बाद देखो, ये हो गया 6 घंटा हो गया, फिर उसके बाद क्या मैं 11 बजे मस्ती की बंद कर दूंगा लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है? फिर उसके बाद 11:30 बजे तक मैं भी खाना खा लूंगा, तुम लोग भी खाना वाना खा लेना, फिर मैं सो जाऊंगा 12 बजे तक। मेरा पेपर तो है नहीं, पर मेरे को नींद तो नहीं आएगी क्योंकि तुम लोग सोने थोड़ी ना दोगे एग्जाम के एक दिन पहले। अभिषेक सर, अभिषेक सर, अभिषेक सर चालू हो गए, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, अरे आप लोग से बात तो चलता रहेगा अपना। 11 बज गया, उसके बाद क्या करना, आप लोग कम से कम 1 बजे तक जागना, 1 से 2 बजे तक जागना, ठीक है? 1 से 2 बजे तक जागने क्या करोगे, 28 फेब आ जाएगा, ठीक है? मतलब जाग लेना अच्छे से, हाँ क्या, जाग करके फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर देना भाई, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर देना, ठीक है? और वहां उस टाइम पे लेक्चर में पता है कैसे चलेगा, लेक्चर में कोई मैं मस्ती वस्ती नहीं करने वाला रहूंगा क्योंकि भाई अगले दिन ही एग्जाम रहेगा। वैसे तो मैं मस्ती इतनी करता नहीं हूँ, क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक है? मैं बहुत मस्ती करता हूँ। तो यहाँ पर ना खाली फिजिकल केमिस्ट्री चलेगा, और यहाँ पर खाली खाली बात चलेगी पढ़ाई की, हाँ क्या, खाली पढ़ाई की बात चलेगी, खट 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 खट, 1 घंटे में एक चैप्टर। सोचो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर को मेरे को 1 घंटे में कराना है, थर्मो जैसे चैप्टर को मेरे को 1 घंटे में कराना है, तो मैं खाली रॉकेट के स्पीड से बोलने वाला हूँ, और आपने अगर एक पलक भी ऐसा झपका रहा तो सीधा खत्म 6 का 6 चैप्टर। तो जागे रहना, मस्ती की वीडियो देखते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है? क्योंकि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, और बस एक ही चीज चाहिए रहेगी, दो चीज सॉरी, एक आपका प्यार और दूसरी आपकी मेहनत, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना, जैसे 28 फेब आ जाएगा, कौन सा फेब आ जाएगा बच्चों, 28 फेब आ जाएगा। अब ये वाला, अब इस दिन में अपने को क्या करना है, इस दिन में अब मैं आपको पहले देखो मैंने फिजिकल करा दी, अब मैं आपको क्या करूंगा, फिजिकल कराने के बाद मैं आपको डायरेक्टली किस पे लेके आऊंगा, इनऑर्गेनिक पे लेके आऊंगा। मैं लाइन से चलूंगा, कैसा वैसा ऊपर नीचे नहीं, सब लाइन से मैं आपको करा के दूंगा। 28 फेब, इतना तो तुम्हारे ऑफलाइन क्लासेस वालों ने भी नहीं करा रहेगा, कॉलेज वालों भी नहीं, जिन्होंने तुमसे इतना पैसा लिया, इतना फार फार क्या पैसा लिया, हर एक एक इंस्टॉलमेंट में, हर एक एक महीने पे पैसा लिया। मेरे को देखो मजाक कर रहा, उन्होंने भी लिया, उन्होंने भी दिया, बट मैं उनसे ज्यादा गारंटी है, ठीक है? देखो 28 फेब, देखो आप 28 फेब को क्या करना है, ध्यान से सुनना, 28 फेब, 28 फेब को ना, अब मैं मेरे उठने पे, ठीक है? मैं जैसे ना मैं जल्दी उठ जाऊंगा, ठीक है? मैं कितने बजे तक उठ जाऊंगा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं 10 बजे उठ जाऊंगा सुबह सुबह, ठीक है? मतलब 9 बजे उठ जाऊंगा, 10 बजे से लेक्चर लेना चालू करूंगा। पैर वैर बहुत दर्द करता है, लास्ट टाइम दिया था ना इतना, लास्ट टाइम इतना लिया था ना, पैर वैर एकदम हिलने लग गया था, चल भी नहीं पा रहा था, तुमको पता है क्योंकि बेड पे लेटा था ना, तो कैसे चल पाऊंगा, ठीक है? आप देखो 28 फेब उस दिन पे, तो उस दिन बच्चे लोग का ना चेहरा जो ऐसा रहेगा ना, ऐसा छोटा छोटा, देखने में बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत डरे हुए रहेंगे ना, बट उनकी सबकी नैया पार मैं ही लगाऊंगा, और मेरे को बहुत खुशी मिलेगा क्योंकि उनके लिए, मतलब बोलते ना यही है हमारा लीडर जो हमें इस अंधेरे कमरे से बाहर लेके जाएगा उजाले में, तो मैं लेके जाऊंगा, तो मेरे को ऐसा पावर और बहुत मजा आएगा कि मैंने इतने बच्चे लोग को हेल्प किया, ठीक है? दिल से एकदम बहुत मजा आएगा मेरे को, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये दिन आए। जनवरी का सोच रहा हूँ महीना ही हटा दूं कैलेंडर में से, डायरेक्ट फरवरी लेके आ जाओ, मजा आएगा, एक्साइटेड हूँ मैं पढ़ाने के लिए, मेरे अंदर का जोश देख रहे हो बहुत। उस दिन तो ऐसा रॉकेट के जैसा रहेगा ना, तुम लोग बोले अरे वाह सर मान गए, ठीक है? देखो 28 फेब, अब 28 फेब को क्या, मैं 10 बजे से चालू कर दूंगा, ठीक है? 10 AM से मैं 10 बजे से चालू कर दूंगा, इनऑर्गेनिक चालू हो जाएगा, हाँ क्या, ध्यान से देखना, अभी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब इसमें ही खत्म होगा। देखो इनऑर्गेनिक चालू होगा, इनऑर्गेनिक तुमको ही बहुत मजा आएगा, हाँ क्या? और इनऑर्गेनिक में तुमको मेरे नोट शोट से पढ़ा वढ़ा करके एकदम तगड़े तरीके से, चौचक तरीके से बोलते ना, तैयार कर दूंगा इसको, ठीक है? कितने से देखो, 10 से मैं, 3 ही चैप्टर है, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, ठीक है? 2 2 PM, 4 घंटा यहाँ पे पकड़ लो, ठीक है? कितना घंटा हो गया,
यहां पर आप 4 घंटा पकड़ लो, 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर्स में आपकी मैं इनऑर्गेनिक करा दूंगा, ठीक है। प्लान देख लो पहले से, एससी वाले पहले से महारिविजन महामैराथन का प्लान बता दे रहे आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब इसके अंदर पूरा कवर अप कर लेंगे इनऑर्गेनिक, हाँ पूरा मतलब पूरा, 10 से 2 4 घंटे में 3 चैप्टर आराम से हो जाएगा भाई, बड़ा बड़ा चैप्टर है मैं बता रहा हूँ। पी ब्लॉक आपको पता है कितना बड़ा चैप्टर है, और डी ब्लॉक भी आपको पता है कितना बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 3 घंटे में कर सकता हूँ, बट वैसे करके मतलब नहीं कि खाली नाम के लिए कर दिया, 4 घंटे में मस्त हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं थोड़ा आराम करूंगा, आराम मतलब समझते हो ना, मैं भी इंसान हूँ, तो थोड़ा 1 घंटा खा लूंगा, थोड़ा सा जेवन एवन कर लूंगा, ठीक है, 2 से 3 जेवन एवन हो जाएगा, थोड़ा आराम कर लूंगा, फिर 4 बजे वापस से लगूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, 4 बजे से ध्यान से सुनना, 4 बजे से अब ये जो चालू होगा ना, मैं 4 से 1 2 3 4 8 साढ़े 8 तक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 8:30 तक, चलो 9 पकड़ लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, 9 पकड़ लेता हूँ, 9 बजे तक, ठीक है, 9 PM तक, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, ये जो मैं आपको कराने वाला हूँ ना, इसमें मैं आपको करा के दूंगा, क्या करा के देने वाला हूँ, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा इसी दिन, हाँ क्या 28 फेब ही चल रहा है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, इस दिन क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना घंटा है, 5, पर मेरे को पता है ये कमी होगा, ठीक है, ज्यादा ये मैं 5 आपको ज्यादा बोल रहा हूँ, ये कमी होगा, ठीक है, 4 साढ़े 4 में खत्म हो जाएगा, ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में। और तुमको पता है, अब तुम में से एक बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग कब पढ़ेंगे, अरे टेंशन मत लो, मैं पढ़ाऊंगा ये ऐसा कि तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब तुमको ये जो 4 घंटे का लेक्चर देखा ना, मार्क माय वर्ड्स, 4 घंटे का ये जो लेक्चर देखोगे, ये 5 घंटे का देखोगे, ये जो 6 घंटे का देखोगे ना, इसमें मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि आपके दिमाग में ऐसा चले जाएगा ना कि आप लोग चाह के भी नहीं भूल पाओगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मेरी बात याद रखना आप। अब देखो ये 5 घंटे के अंदर अपन क्या कर लेंगे, ऑर्गेनिक कर लेंगे, 4 साढ़े 4 में हो जाएगा, ठीक है, 4:30 5 मतलब 5 मैक्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये 4 में मैक्स बता रहा हूँ, मेरे को पता है 3:30 में ये हो जाएगा, 4:30 में ये हो जाएगा, थोड़ा अगर 5-5 मिनट का ब्रेक भी लूंगा तो फिर 5 घंटे तक जाएगा ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है कि सर अप्लाइड कब करेंगे अपन, बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स ग्रीन केमिस्ट्री कब करेंगे, तो करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, तो रात को 10 बजे मैं लेक्चर चलाऊंगा, ठीक है, 10 बजे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये थोड़ा सा ये वाला सेशन ज्यादा बच्चे अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि बहुत लेट हो जाते, ठीक है, ऑलराइट, पर तुम लोग अटेंड करने का ट्राई करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, रात को 10 बजे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सो दैट आपको और अच्छे दिखेगा, 10 बजे से, ठीक है, रात को 10 बजे, हाँ रात को 10 से लेकर के 12, 2 घंटे या तो ज्यादा से ज्यादा 1, ठीक है, रात के 1 बजे तक चलने वाला लेक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, रात के 1 बजे तक, ठीक है, 1 AM तक, ठीक है, ऑलराइट। अब इसमें क्या कराऊंगा, इसमें मैं आपको अप्लाइड करा दूंगा, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री करा दूंगा, अप्लाइड है ना आपकी, कौन सी वाली बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, पॉलीमर्स हो गया, ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, मतलब मैं 3 घंटा ज्यादा से ज्यादा आपको एक बोल रहा हूँ, मैं 2 घंटे में इसको खत्म कर दूंगा, मतलब समझ लो 12 बजे तक खत्म कर दूंगा, 12 बजे तक, ठीक है, ज्यादा नहीं 12 बजे तक, ठीक है, ऑलराइट, 12 बजे तक ये भी खत्म हो जाएगा, कौन कौन सा 3 चैप्टर हो जाएगा, मतलब 10 से 11 11 से 12, 2 घंटा, ठीक है। अब ये कराने के बाद मैं चले जाऊंगा, थोड़ा सो लूंगा, ठीक है, और सोने के बाद क्या करूंगा, मैं 29 फेब को डायरेक्ट उठूंगा, ठीक है, 12 बज गया, डायरेक्टली मैं 29 फेब को उठूंगा, 29 फेब को। अब जब मैं 29 फेब को उठूंगा ना, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, क्या तुम लोग का 11 बजे एग्जाम रहता है, तुम लोग 10 बजे 9 बजे निकल जाते, ठीक है, तो मैं 7 ही बजे ऑनलाइन आ जाऊंगा, ठीक है, 7 बजे, 7 या तो 8 साढ़े 8 पकड़ लो, ठीक है, 8 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अब ये 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे से 8 AM से लेकर के 8 AM से लेकर के 10 बजे तक, ठीक है, 10 AM तक, ठीक है, 10 AM तक मैं आपको कहता है क्या करूंगा, मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है आपको, मैं एक न्यूमेरिकल के ऊपर सेशन लूंगा, और बिलीव मी कि अगर आप ये करके जाओगे ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेशन न्यूमेरिकल वाला, तो आप एक एक न्यूमेरिकल करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये कितने घंटे निकल के आ रहे बताना जरा, 8 से 9 9 से 2 2 घंटा। अच्छा एक बार काउंट करना कितने घंटे हो गए टोटल, देखो काउंट करके बताओ कितने घंटे हो गए टोटल, पूरे के पूरे घंटे मेरे को काउंट करके बताना कितने हो गए। जल्दी जल्दी बताओ कितने घंटे हो गए, 6 4 10 10 5 15 15 16 17 18 19, तो मतलब 19 घंटे में आपको पढ़ाने वाला हूं, समझ जाओ कितने घंटे पढ़ाऊंगा, 19 घंटे में आपको पढ़ा करके एक रिकॉर्ड बना दूंगा, ठीक है, और आपका पेपर एकदम मस्त जाएगा, मतलब इतना मस्त जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, 19 घंटे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इस बात को आप याद रखना। मैं आपको बता रहा हूं, देखो जब भी मैंने लास्ट टाइम करवा रहा था ना, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था ना, उसमें बच्चे लोग को एकदम मस्त बहुत मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था ना कि पूछो मत, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब जो जो मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा था, ठीक है, बच्चे लोग का भी सपोर्ट था, ऑलराइट,
बहुत बच्चे लोग का बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट था, मतलब लास्ट टाइम तो बहुत ज्यादा ही सपोर्ट था। ठीक है, ऑलराइट वन सेकेंड ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इधर देखो, ऑलराइट वन सेकेंड ना, ये देखो दिखाता हूँ। न्यूमेरिकल वाला जो सेशन होगा ना, उसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि उसमें आपको सच में मजा आएगा। आप खुद बोलोगे कि अरे हाँ सर, बहुत मजा आया न्यूमेरिकल वाले में, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला एकदम खतरनाक, जो जो इंपॉर्टेंट है ना, वही करने वाले हम लोग, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वन सेकेंड देखना, वन सेकेंड, एक मिनट रुको, मैं इसको वापस से चालू करता हूँ। ठीक है, वन सेकेंड ना, वन सेकेंड रुको, रिफ्रेश कर देता हूँ, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वन सेकेंड, वन सेकेंड ना, मैंने कैमरा ऑफ किया, एक मिनट रुको। इसका ना कुछ तो करना पड़ेगा एक्चुअली, ये ना ऐसे काम नहीं कर रहा है बरोबर। दिखाना पड़ेगा इसको। हाँ जी, चलिए आइए। ठीक है, इधर आइए, ऑलराइट इधर आइए, इधर आइए फटाफट से। देखिए, ये देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा एक कह रहा है कोरोना भी आ रहा है, डीएम स्टेटस क्रिएशन कह रहा है। बेटा वो सब ना यूट्यूब पे बोलूँ क्या कि कोरोना कैसे आ रहा है, कौन ला रहा है देश में कोरोना, ये सब बेटा ये सब चीजों में मत पढ़ो, पढ़ाई करो। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा भी था कि चल रहा था कि कोरोना इज बैक, कोरोना आ गया वापस से, फिर क्या हुआ, एग्जाम हो गया, बच्चे लोग ने जिसने नहीं पढ़ा था उसका मुंह मुंह हो गया। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। ऑलराइट चलो मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ क्या न्यूमेरिकल वाला सेशन दिखाता हूँ। देखो इनऑर्गेनिक का भी अच्छा था, 2 घंटे 47 में ही करा दिया था। ठीक है, मस्त वाला सेशन था, ऑर्गेनिक भी 1 घंटे 46 में हो गया था। ठीक है, स्पीड के ऊपर है भाई, उस दिन अगर मूड में स्पीड रहा तो फिर जल्दी हो जाएगा। देखो ये 1 घंटे 38 मिनट पे लिया था, मस्त न्यूमेरिकल वाला सेशन था, एकदम मजा आ गया था मेरे को तो। ठीक है, ऑलराइट ये देखो, इसमें बैठ बैठ करके, ये देखो ये देखो, ये जो देखो डब्ल्यू मैक्स वाला बताया ना, आइसोथर्मली रिवर्सिबल वाला, ये एग्जाम में आया था, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, ये हम लोग ने कल के पेपर में देखा 2023 में। देखो टीक्यू वैल्यू दिए, log10 V2 बाय U1 दिया, देखो ऐसा बैठ, पहले बार तो अब पिछले बार तो अपने ऐसा छोटा वाला सेटअप था, फिर भी अपन ने बच्चे लोग को पढ़ाया, इस बार तो बड़ा सेटअप है। ठीक है, ये देखो ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से, अब ये वाला देखो, ये कल ही हम लोग ने किया था कि नहीं किया था, ये देखो मैंने क्या बोला था, सेक्शन बी के अंदर आपको इस तरीके से मिलेगा। वन सेकेंड ना, ध्यान से देखो मैंने अभी क्या बोला इसमें, ध्यान से सुनना कि अभी मैं आपको दिखाता भी, इधर देखो, वन से इधर देखो, हाँ इधर देखो, ये देखो अभी ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, इसको वैल्यूज से सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना, 1 से 2 नंबर इसमें निकल जाएंगे आपके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन, ऐसा मत करना मेरे भाई, Once everything's perfectly organized, I'll start working on the thesis. 1 second, there you go. 5.10 इसको अच्छे से करके जाना, हाँ क्या, अच्छा अच्छा खासा न्यूमेरिकल है। ठीक है, ऑलराइट चलो, तो ये तू पूछ रहा है ना, ये स्क्वायर क्यों हुआ, वो देखा ना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल सेक्शन बी के अंदर मिलेगा। देख ध्यान से देख, अभी इसी क्वेश्चन को अपन देखते हैं, सुधीर तू आई, ये तू पूछ रहा है ना, ये स्क्वायर क्यों हुआ, इधर पे ये स्क्वायर क्यों हुआ ना, ये तू तू आई, ये तू पूछ रहा है ना, ये सारा न्यूमेरिकल बताया था सारा, कि कैसे कैसे करना है सारा का सारा, मतलब सारा का सारा बताता हूँ तुमको, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वही फॉर्मूला शीट में से देख देख करके। इधर देखना, अभी ये जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, मतलब समझ जाना, कुछ अच्छी चीजें इसीलिए दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी नेटवेट अपना भरा के रख लेना, क्योंकि तुमको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ऑलराइट वन सेकेंड रुको, जस्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सबने देखो माफ कर लिया इस बात को। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। ऐसे टाइप के ठीक है, जब आपको आइसोथर्मल मिलेगा रिवर्सिबिलिटी बोले तब ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, डब्ल्यू लगाना मैक्स इक्वल टू -2.303 एनआरटी log10 वी टू बाई यू वन। ऑलराइट अब इसमें पहचानो, देखो क्या बोल रहा है, टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब ये अपना एन हो गया, है पहचान लेने का, फटाफट पहचानने का, पहचानने वाला काम फटाफट करने का, आईडी निकालो। एन हो गया 2 मोल्स। ठीक है,
See, ideal gas, isothermal universally, ये 20 और 30 है, ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूं, expand हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, 20 को मैं V1 ले लेता हूं, ये क्या और 20 को मैं V2 ले लेता हूं, क्योंकि expand बोला है ना, समझा कि नहीं समझा, expand बोला, expand मतलब, मैंने तुमको बताया था अभी फैलना, ठीक है, expand R दिया हुआ है, कुछ नहीं है, W निकालना है, N की वैल्यू दी, R की वैल्यू दी, D की वैल्यू दी, T दिया है क्या, सुना 300 केल्विन दिया ना भाई, केल्विन है ना मतलब टेम्परेचर है, V2 दिया, V1 दिया, सॉल्व कर, W max निकाल, हो जाएगा ये, ठीक है, याद मेरी बात को क्या सुनना है तुमको, जब आइसोथर्मल एक्सपांडेड आइसोथर्मल यूनिवर्सल बोल दिया ना, तब जाकर के इस बड़े वाले फॉर्मूले का यूज करना है, समझे कि नहीं समझे, सेक्शन बी के अंदर ही आपको मिलेगा, देखो मैंने क्या बोला, सेक्शन बी के अंदर ही आपको, सेक्शन बी के अंदर ही आपको इस तरीके से, भाई मैं आपको दिखाता हूं, देखो आप, ये देखिए बच्चों को फुल मोटिवेट करके भेजा था मैंने, अभी यहां पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ठीक है, ये कौन सा पेपर था अपना, ये वाला था ना, अभी कौन सा, 23 का मार्च का, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिखाता हूँ, ठीक है, मार्च 23 में, रुको वन सेकेंड, ना जुलाई हो गया, मार्च 22 हो गया, मार्च 23 एग्जाम टेस्ट पेपर यही है ना, हाँ यही रहेगा, ठीक है, वन सेकेंड, ना मार्च 2008 बोर्ड एग्जाम टेस्ट पेपर, ठीक है, वन सेकेंड, हाँ ये रहा, ठीक है, बोर्ड 23 का ही है ना, मार्च का, एक बार देख लेता हूँ मैं, ठीक है, हाँ मार्च 23 का, ठीक है, अब आइसोथर्मली रिवर्सिबली क्वेश्चन को हम लोग ढूंढते हैं और देखते हैं आया भी है कि नहीं आया, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा, दिखा आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 दिखा, ये देख क्वेश्चन नंबर 19 दिखा आपको, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने क्या बोला था, सेक्शन बी में आएगा, ये कौन से सेक्शन में आया है, सेक्शन सी के अंदर आया है, सेक्शन बी सेक्शन सी, बट आया क्वेश्चन वही है, समझ में आया, तो जो मैं आपको बोलूंगा वो 20 से लेकर के 30 देखो एक्सपांडेड, समझा, देखो वो मोल्स की वैल्यू, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, चलो तो ये हम लोग करने वाले, डोंट वरी, ठीक है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी एक बार बताना मेरे को, अभी चलो मैं वापस से आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वापस से आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं आता हूँ आपसे, थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम लोग, देखो आप लोग ना सबसे पहली बात तो ना प्लानिंग बना लो कि आपको कैसे पढ़ना है एग्जाम के एक दिन पहले, नहीं तो आप खाली यूट्यूब पे भटकते रह जाओगे, लास्ट में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है, ये आप देख लो पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, चलो आ जाओ, और किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, वन सेकेंड, चलो आ जाओ, चलो यहाँ देखना, ऑलराइट, VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में करवाया है, एक बार देखना जा करके, आप बता दो कौन कौन से चैप्टर करना है प्लीज, उतना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे जाऊंगा, गेमिंग वाला बच्चा पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको एक दे रखा है, क्या दे रखा है, अगर आप हमारे ग्रुप्स में हो टेलीग्राम के तो भी आपको समझता रहेगा कि मैंने क्या दे रखा है, रोड मैप दे रखा है, ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स मैंने बोल रखे ना स्टार्टिंग के, ये आपको करने हैं पहले, इसको टारगेट बनाओ कि दो दो दिन में इसको इसको करना है, करने की कोशिश करोगे टारगेट बनाओगे तो होगा, नहीं बनाओगे तो नहीं होगा, समझे, इस बात को समझो, और कुछ सर न्यूमेरिकल का लेक्चर जल्दी लाओ, 10,000 व्यूज जल्दी कराओ, चलो नेक्स्ट, आगे कुछ, ठीक है, एक साथ इतने सब्जेक्ट कैसे हैंडल करें, आपको कौन बोल रहा है इतने सारे सब्जेक्ट हैंडल करने के लिए बेटा, आपको क्या करना पता है क्या, एट अ टाइम दो ही सब्जेक्ट हैंडल करो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था बेटा, क्या एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री लो, दूसरे दिन मैथ्स बायो लो, ऐसे ऐसे करो, और लैंग्वेज तो आप सबको पता है, आप पेप्सी पढ़ने वाले हो, ठीक है, वैसे ही करो थोड़ा सा, ठीक है, आपने जिम ज्वाइन कर ली क्या, नहीं जिम छोड़ दिया है, तुम लोग के वजह से जिम छोड़ दिया है, पता है क्या तुमको, मतलब क्या बोलूं मैं, जाने दो, बॉडी बीडी कम हो जा रही है मेरी, ठीक है, सोचा था नया साल आएगा 2023 में अच्छा बॉडी बना लूंगा, अभी अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ कि 24 में अच्छा बना लूंगा, 24 में बोलूंगा 25 में अच्छा बना लूंगा, ठीक है, तुम लोग से थोड़ा सा टाइम मिले तभी तो जाऊंगा, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, सिर्फ आप पे भरोसा, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, ऑलराइट, MSCCT बोर्ड के लिए तैयारी कैसे करें, देखो पहले बताता हूँ बेटा ओम, पहले अभी बोर्ड के ऊपर प्रायोरिटी दो, बाद में CET, हम लोग ने भी अभी CET का बैच ऑन किया है, पर उसने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम बच्चे लोग और अच्छे से फोकस करें बोर्ड्स पे, क्योंकि उनका बोर्ड्स नहीं खराब हो जाना चाहिए, समझ में आया, ठीक है, चलो आगे कुछ, सर बोर्ड में क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से आते कहाँ से आते, देखो मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, एक काम करना, सबसे पहली बात तो ना एक वीडियो जा करके देख लेना, कि देखो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, आप नए आए हो चैनल पे, इसके लिए आपको पता नहीं ये बात, ठीक है, लाइव सेक्शन में जाओगे तो मैंने एक सेशन लेके रखे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, आप जाकर के देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना, क्योंकि डेप्थ में मैंने एनालिसिस किया, ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन को चेक करके बताया कि कहाँ से आता है, आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाओगे यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, एक सेकंड रुको, इधर ही कहीं होगा, देखो एक सेकंड, हाँ इसके नीचे ही होगा, बहुत सारी चीजें चलती रहती है, पर चैनल पे अभी भी आओगे तो फिर नए हो, ठीक है, पुरानी चीजें देख लिया करो, ठीक है, ऑलराइट, हेल्पफुल होगी, वन सेकंड, हाँ
ज्यादा नीचे आ गया मैं लगता है, ठीक है वन सेकेंड ना, इतना सारा कंटेंट डाल रखा है, बताओ एग्जाम पैटर्न सिलेबस स्ट्रेटेजी ये नहीं है, ठीक है मैं दिखाता हूँ आपको, रुको एक अच्छा सा डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है मैंने, ठीक है हाँ ये देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन कहाँ आएगा, सॉल्व एग्जाम्पल आएगा, टारगेट बुक में से आएगा कि नोट्स में से आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये वीडियो को जाकर के देखना, ठीक है 15,000 बच्चों लोगों ने देखा, 2 महीने पहले की वीडियो है, इसको जाकर के आप देखना, ठीक है चलो और कुछ, ठीक है ऑप्शन में छोड़ चुका दिया है, आउट ऑफ मार्क्स मिल सकता है क्या, हाँ मिल सकता है ना, 12, 13, 14 चैप्टर करके जाओ, 14 चैप्टर करके जाओगे आउट ऑफ निकाल सकते हो, ठीक है जो ऑप्शंस में छोड़ोगे उसको, उसके जो क्वेश्चन आएंगे उनको ऑप्शंस में डाल देना फिर, ठीक है इसको जाकर के अच्छे देखना, ये सब वीडियो में देखो मैंने बताया है, एक एक क्वेश्चन को चेक किया है बोर्ड एग्जाम के पेपर से, 2-3 पेपर से चेक करके बताया कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये देखो ये पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम का पेपर लिया मैंने, एक एक क्वेश्चन को चेक करके बताया कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, स्कॉटकी इफेक्ट फ्रैंकल इफेक्ट कहाँ से आ रहा है, ये सब 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 पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर बताया, 47 मिनट की वीडियो, जा करके फुर्सत से थोड़ा टाइम निकाल के देख लेना, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है चलो और कुछ और कुछ और कुछ पूछो, ठीक है सर 7 to 7 to 9 लो ना, क्या 7 to 9 लेक्चर ना, अज्जू सर का लेक्चर चलता है इसके लिए उन्होंने 7:30 का टाइमिंग किया, ठीक है सर क्वेश्चन 1 21 अपेक्षित से आएगा क्या, नहीं आएगा गायत्री 21 से मत करके जाना, ठीक है 21 से क्वेश्चंस का कैसा, देखो मैं आपको 21 का फॉर्मूला बताता हूँ, 21 में ना एक साथ लाइन से एक मंथ में सीटी हो जाएगा क्या, हो आराम से होता है, होता है आराम से, ठीक है करने देखो सीटी में करना क्या, खाली न्यूमेरिक क्वेश्चन ही तो बनाने, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने, अभी आप क्या कर रहे हो पहले मेरे को बताओ, अभी आप क्या कर रहे हो मेरे को बताओ, अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना, यही तो हम लोग आपको आगे वाले बोर्ड एग्जाम के बाद सिखाने वाले, ठीक है तो कुछ मैं आपको बता रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था, उसमें कैसा रहता ना, उसमें आपको लाइन से सारी चीजें दे देंगी, आप खाली खत्म करने पे लगे रहोगे पर नहीं मजा आएगा, सिंपल बता रहा हूं, अभी भी टाइम है, अभी भी एक ही चीज फॉलो करो, क्या करो सबसे पहला लेक्चर देखो, नंबर 1 कॉन्सेप्ट को समझो, नंबर 2 लिख करके प्रैक्टिस करो, नोट्स में से पढ़ने का लिखने का जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जितना रगड़ा उतना क्या, उतना तगड़ा, तो अभी से आप प्रैक्टिस करो, अब नंबर 3 क्या, रिवीजन करो, बस इतना ही है, अब पढ़ने का कहां से, लिखने का कहां से, पढ़ने का वीडियोस से, नंबर 1 समझा, नंबर 2 लिखने का कहां से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सैंपल पेपर में से क्वेश्चन उठाने का, अगर मैं होता ना तुम्हारी जगह मैं यही करता, क्या मैंने एक दिन सॉलिड स्टेट पढ़ा, सबसे पहले मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखता था कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, तो वो सारे के सारे खटखट खटखट लिख के सॉल्व करता, याद रखना मैं लिखता, मैं बुक्स को भरता और मैं ऐसे ही करता था, तो आप लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो, इतना लिखो ना कि तुमको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, धड़ 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 एक एक मिनट में खड़खड़ खड़खड़ खींचो, पेन रोको मत, कोई भी डेरिवेशन अगर आप एक बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो अगर आप उसको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का और टाइम दे दोगे और दूसरी बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका याद किया हुआ डेरिवेशन लंबे समय तक चलेगा, मेरी एक बात सुनो, अगर अपने को कोई इंस्टाग्राम पे रील अच्छी लगती है तो अपन उसको 2-3 बार देखते और उसको भेजते भी है, बराबर की नहीं, तो यही चीज आपको भी यहाँ पे भी करनी है, अगर आपने कोई चीज देखी यूट्यूब पे लेक्चर देखा आपको अच्छा लगा आप लिखो, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लिखो लिखो, अभी लिखने का टाइम है, किस तरीके से अपने अंदर के नॉलेज को पेपर पे उतारना है ये आपको सीखना है, क्या सीखना है, किस तरीके से आपको अपने नॉलेज को पेपर पे उतारने आना चाहिए ये आपको सीखना है, समझ में आया मैंने क्या कहा, समझ में आया, जल्दी जल्दी बताओ समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं, कि जितना जितना आप पढ़ते जा रहे हो उतना उतना आप लिखते जाओ, रात को बैठो लिखने के लिए 11 से 2 बजे वाले टाइमिंग में ना, ये जो आपका टाइमिंग है ना 11 से 2 इसी के ऊपर एग्जाम होने वाली है, अगर बीच में किसी को ऐसा न्यूज दिखा कि कोरोना के कारण एग्जाम कैंसिल, वीडियो पे क्लिक मत करना, फालतू का जो तुम लोग का जो मोटिवेशन आ रहा रहेगा ना वो भी चला जाएगा पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई करने के लिए भी दम लगाना पड़ता है, कंसिस्टेंसी लगाना पड़ता है, मूड बनाना पड़ता है, सबसे बड़ी बात तो ये पढ़ाई करने का मूड बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो आजकल डर के ही पढ़ते, खोटा बोलते है मी खरा बोलतो है, तुम्हाला मी काय शॉक, 2 सुपर चैट किया बत पढ़ लो, अरे सॉरी बेटा, ठीक है अरे सुपर चैट निकल जाते हैं मैं क्या बताऊं, ठीक है रुको रुको तुम्हारे 2 सुपर चैट आए ना मैं देखता हूँ, ठीक है 1 सेकंड रुको, हाँ तुम क्या पूछ रहे हो, एमएचटी सीटी 1 महीने में हो जाएगा यही पूछ रहे हो ना, हो जाएगा, ठीक है देखो मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम में से आधे कंपटीशन तो ग्रुप क्राइटेरिया में ही कम हो जाएंगे, जो भी चल रहे हैं ना कि हम पहले सीटी का तैयारी करेंगे वो लोग देखो आराम से ग्रुप क्राइटेरिया में निपट जाएंगे, ठीक है कंप्यूटर साइंस कहाँ से करे, संध्या प्लेलिस्ट दिया हुआ है बेटा, आप जा करके श्रेया मैम आपको पता ना मेरी छोटी बहन, मैं उसको वापस से बोल दूंगा लेक्चर्स ले लेगी वो, ठीक है रिक्वेस्ट बहुत करना पड़ेगा, ठीक है उसको वो बात अलग है, तो फिर ले लेगी लेक्चर्स थोड़ा सा टाइम निकाल करके, तब तक आप क्या करो ना
अपना प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो, पूरा का पूरा उसने डिटेल में पढ़ा के रखा है, कोडिंग वोडिंग भी करके रखा है, ठीक है। ऑलराइट, वन सेकेंड ना। ऑलराइट अभिषेक भैया, सीएस का कैसे पढ़े? देखो सीएस, देखो विशाल कैसा है ना, मैं आपको बताऊं, सीएस के लिए ना अपने पास ज्यादा छुट्टी है और 200 मार्क्स का सीएस है। और मैं आपको सच बताऊंगा ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने एक बच्चे से ना पूछा कि सर सीएस को कैसे करना, तो उसने बोला सर कैसा है ना कि मैंने ना छुट्टी अच्छी खासी थी, मैंने कर लिया। ऑलराइट, तो आप कर ले जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि श्रेया मैम ने मेहनत करके रखा है। सीएस आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, हमारे चैनल पे सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों का तीनों अवेलेबल है। अगर आप लोग एक बार जाकर के खाली सर्च करोगे ना, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि अगर आप यहाँ पर जाकर के देखोगे ना, यहाँ पर कहाँ पर देखो, प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आपको श्रेया दिखेगी कि श्रेया मैम ने जो जितना भी आपका, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इन्होंने देखो क्या कर रही है, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड मतलब बहुत बहुत मेहनती है, ठीक है। यहाँ पे देखो 12th साइंस मैथ्स 2 ले लिया इसने, खत्म कर दिया, 23 शुडो लिया, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा खासा पढ़ा दिया इसके अंदर, ठीक है। अभी उसने वन शॉट सीरीज चालू कर रखा है, संडे सैटरडे और संडे को लेक्चर्स देती है बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आएगा ना, तो नीचे देखो, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लास्ट टाइम हिंदी का भी अरेंज किया था वन शॉट, मराठी तक का वन शॉट अरेंज किया था, ठीक है। यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन हम लोग ने अच्छा खासा कंटेंट दिया है, तो इस साल भी हम लोग देंगे, डोंट वरी। देखो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के उसने 8 वीडियो बना रखे, आप जाकर के अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। उसके नीचे देखोगे सीएस 1 का बना रखा है, सीएस 2 का बना रखा है, सीएस 1 के 14 वीडियोस बनाए, सीएस 2 के 7 वीडियोस बनाए, पूरा का पूरा कंटेंट है अच्छी तरीके से इसने बताया। और यहाँ पर देखो आईटी के 10 वीडियोस बना रखे, सब कुछ बताया। जा करके यहां से रेफर करो, अगर कोई कमी दिखती है तो मेरे को मैसेज करो, मैं और उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करवा के आपको दूंगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक छोड़ के सब इजी जाता है, इनऑर्गेनिक के लिए कुछ टिप्स दे दो। अथर्व पूछ रहा है, अथर्व ध्यान से सुनना बेटा, इनऑर्गेनिक का कैसा मसला है ना बेटा, इनऑर्गेनिक आप नोट से पढ़ो। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो मैंने बच्चों को ये बताया कि इनऑर्गेनिक आप कितना भी पढ़ लो, इधर से जाएगा दिमाग में, उधर से पीछे निकल जाए, मतलब बोलते ना मराठी में पूछा बट मार्क्स सपोर्ट हो जाएगा। आप इनऑर्गेनिक मेरे नोट से पढ़ो, आप सच में फैन हो जाओगे। अगर आपने मेरा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18 देख लिया, ट्रांजिशन ट्रांजिशन देख लिया, कोऑर्डिनेशन देख लिया, इनऑर्गेनिक में आप बोलोगे कि सर कोई भी क्वेश्चन आने दो मैं अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। ज्योग्राफी का कहां से करें लास्ट टाइम लेक्चर, ठीक है, वो हो जाएगा, यूट्यूब पे कोई ना कोई करवा देगा आपको, ठीक है। ऑलराइट, और क्या पूछ रहे सर, 10 चैप्टर अच्छे से हो गया, 5 चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ, कितना मार्क्स आ सकता है? ध्यान से सुनो, देखो अगर आप 10 चैप्टर करके जा रहे हो तो सीधी सी बात है 5 × 10 = 50 होता है, ठीक है। 50 मार्क का अटेम्प्ट करोगे 30 मार्क मिलेगा, लॉजिक पे बात करने का, 50 मार्क का अटेम्प्ट करोगे 30 मार्क मिलेगा, ठीक है। और आप तो ऐसा है नहीं कि 10 ही चैप्टर करके जाओगे, आपका दिल मांगे मोर, आप क्या करोगे इधर उधर से इंपॉर्टेंट उठाओगे, इंपॉर्टेंट मेरा उठाना क्या, मजा भी आएगा। इंपॉर्टेंट में से एक आग फंस गया, 3-4 क्वेश्चन फंस गए, मजा आ जाएगा, 50 तक आप स्कोर कर सकते हो 70 में से, ठीक है। फैक्ट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सर बाइसेप दिखाओ, कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे क्या बताऊं, तुम लोग ना तुम्हारे लिए सब 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 चीजों का ट्रैक कर दिया, ठीक है। मैथ्स कहाँ से करूं, चैनल पे होने वाला है मैथ्स, ठीक है। वन शॉट चालू है, 2 लेक्चर्स हो चुके, बाकी के भी होंगे, ठीक है। ऑलराइट सर, ऑप्शन के छोड़ दिया तो आउट ऑफ मिल सकता है? नहीं, ऑप्शन में देखो चीजों को डालो, पर 12 से 14 चैप्टर करके जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट कर लेने का, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में से देखने का, कभी भी छोड़ने का नहीं कोई चैप्टर, पूरी तरीके से नहीं छोड़ने का, क्योंकि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो सीधी सी बात है, अगर तूने पूरा चैप्टर छोड़ा तो 4 मार्क तेरा पूरा का पूरा गया। इससे अच्छा 2 न्यूमेरिकल, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-4 करके जाने का, उसमें से अगर एक भी फंसा तो अपना काम बन गया ना, ठीक है। चलो और कुछ, ठीक है, और कुछ पूछो, ठीक है। फिजिक्स दुबे जी करवा रहे, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा ठीक है, आविष्कार मैं देखूंगा, ठीक है, टाइमिंग देखूंगा मैं, ठीक है। ऑलराइट चलो, और कुछ पूछना है सर? मुझे कुछ भी पूछ लो, बायोमोलिक्यूल छोड़ के आएगा मुझे, अब बोलना मत ओवर कॉन्फिडेंट। देखो मैं आपको क्या बोलता हूँ संजय, देखो कैसा है ना, आता सबको है, मेरी बात सुनो, मेरे को भी बहुत सारी चीजें आती है, आपको भी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, और भी ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको केमिस्ट्री की बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, बट मुद्दा ये है ना, क्या मुद्दा है कि बेटा 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक वो जो चीज आपको आती है, सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है किसी और चीज के बारे में, लिख रहे कुछ और होता है ना तुम्हारे साथ ऐसा, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि, अभी देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा एक दोस्त नीलेश है अभी भी एक्चुअली, तो मैंने नीलेश को पूछा, नीलेश के पेपर ना बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, ठीक है। तो मैंने नीलेश को पूछा, नीलेश पेपर कैसे अटेम्प्ट करता है? तो नीलेश मेरे को क्या बोला, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो नीलेश ने मेरे को एकदम खतरनाक चीज बताई, देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको एकदम मस्त चीज बता रहा हूँ, इधर फोकस करना। नीलेश ने मेरे को बोला कि अभिषेक देख कैसा है ना, कि देख अगर तेरे पास ना ऐसा क्वेश्चन पेपर आया है ना, और एग्जाम वाले देख पहले क्वेश्चन पेपर दे देते, ठीक है। तो मेरे को नीलेश बोलता, देख पहले क्वेश्चन पेपर आया ना, तो पहले ना कभी भी क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं देखने का। मैं बोला क्यों नीलेश? नीलेश बोला देख होगा तेरे साथ ऐसा ना,
कि जब तू पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा ना, कौन सा वाला, जब तू देख पहले बात तो तू एमसीक्यूज तो डायरेक्टली छोड़ देता है, एमसीक्यूज में तू दिमाग लगाता नहीं है, ठीक है, आप भी यही करते रहोगे जहां तक मेरे को लगता है। तो उसने मेरे को बोला जब तू पहला क्वेश्चन देखता है, दूसरा तीसरा देखता है, फिर ऐसे तेरे दिमाग में जाता है, तू पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेता है, फिर तू बोलता है अरे ये नहीं आता वो नहीं आता ये नहीं आता वो नहीं आता, तो तू बोलता है पेपर हार्ड है। तो होता क्या, तेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो बोला करूँ क्या, नीरेश बोलता है कि पहले एक काम कर, आंसर शीट ले, पहले बोलता है 5 मिनट जो दिया ना पहले पेपर उसमें देखने का नहीं, आंसर शीट ले, आंसर शीट से इस पेपर को ऐसा ढक और खाली पहला क्वेश्चन देख, राइट, खाली पहला क्वेश्चन देख। हाँ ये मेरे को, उसने मेरे को टेक्निक बताई थी, मस्त टेक्निक थी। उसने मेरे को बोला राइट द नेम ऑफ द टेक्निक यूज्ड इन यूज्ड टू नो ज्योमेट्री ऑफ नैनो पार्टिकल्स। बोलता है तू पहला क्वेश्चन देख और अपना पूरा का पूरा नॉलेज पहले क्वेश्चन पे लगा, मतलब अपना पूरा का पूरा दिमाग तू खाली पहले क्वेश्चन पे लगा और क्वेश्चन को ऐसे रीड कर, अच्छे से रीड कर, पहले रीड करना सीख, पहले देख क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पकड़, क्वेश्चन में तीन चीज पकड़ा कर, पहले लास्ट का चीज नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, फिर बोलता है स्टार्टिंग का चीज राइट द नेम, मतलब नेम पूछ रहा है, ठीक है, नेम पूछ रहा है, पहला नैनो पार्टिकल मतलब समझ कि किस चीज के बारे में चल रहा है, क्या पूछ रहा है, एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, नेम पूछ रहा है, टेक्निक यूज्ड, टेक्निक यूज टू नो द ज्योमेट्री ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नेम पूछ रहा है कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं अपन ज्योमेट्री ऑफ नैनो पार्टिकल्स निकालने के लिए। इस तरीके से तू पहला क्वेश्चन देख और एग्जाम में ऐसा सोच कि सिर्फ और सिर्फ पहला ही क्वेश्चन है जो कि तुझे आता है और एक ही क्वेश्चन पूछा है। रिकॉर्डेड यालों को कम गाली दिया करो, मैं भी उसमें से हूँ, गालियां नहीं देता हूँ मैं रिकॉर्डेड वालों को, मैं ऐसे मतलब ताने देता हूँ कि वो थोड़ा सा जाग जाए, थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में काम करे, क्योंकि जब प्रेजेंट में जो अपन काम करते हैं वही अपने को फ्यूचर में देखने को मिलता है। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, लाख रुपए की बात बोली है, जो आप प्रेजेंट में करोगे वही आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा था, मैं पहला क्वेश्चन देखता था उस पर पूरा दिमाग लगाता था, फिर मैं सेकंड देखूंगा उस पर पूरा दिमाग लगाऊंगा, सबको समझा, क्योंकि ऑर्गेनिक में कैसा रहेगा ना, ऑर्गेनिक में आपको जल्दी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक में आपको जल्दी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, इसके लिए आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते। देखो यहां पर देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग, अब देखो ये ऐसे पूछ लिया, बट आप कैसे करके गए थे, एकदम पड़वड़ के गए थे, अब इथाइल अल्कोहल इंटू इथाइल एसिटेट, मतलब इथाइल अल्कोहल को बनाओ इथाइल एसिटेट में, तो पहले इथाइल अल्कोहल बनाना सीखो, फिर इथाइल एसिटेट कैसे बनेगा, फिनॉल इनटू बेंजीन, पहले फिनॉल बनाना सीखो, ठीक है, फिनॉल बनाओ ऐसे ऐसे धीरे धीरे, फिर उसके बाद बेंजीन कैसे बनाना है, किस चीज का यूज करना है, वो सब सीखो, अभी सीखने की उम्र है तुम्हारी, समझ रहे हो, अभी तुम्हारी सीखने की उम्र है, अभी तुम जवान हो, 16-17 साल के हो, तुम्हारे जो बॉडी के अंदर जो खून दौड़ रहा है ना बहुत तेजी से दौड़ रहा है, इसका सही जगह पे सही डायरेक्शन में सही समय पे इस्तेमाल करोगे लाइफ में आगे निकल जाओगे। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, एक बार अभी प्रीलिम का पेपर चल रहा है ना, एक बार मेरी टेक्निक का इस्तेमाल करके देखना, खाली पहला क्वेश्चन देखो डिफाइन ऑस्मोसिस, तो इसमें क्या होगा पता है, तुम्हारा दिमाग खाली इसी क्वेश्चन पे चलेगा, तो और पता है क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट कर लेते हो ना, आंसर अटेम्प्ट कर लिया ना, तो थोड़ा एक पैराग्राफ ऐसा छोड़ दो, क्यों छोड़ोगे सर, डेडली मास, रुको, अरे 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 फिजिक्स बहुत हार्ड जा रहा है, फिजिक्स के लिए कुछ करो, अज्जू सर को बोलता हूँ वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, वन सेकेंड ना, एक और निकल गया सर, पीवाईक्यू सारे करना जरूरी है क्या, पुराने नहीं हो रहे, देखो मैं बताता हूँ, सुनो 2000 पहले तो सुनो 2023 का ना, सबसे पहले जुलाई वाला करो, अच्छा जुलाई वाला कहाँ से मिलेगा, ऐप पे डाल के रखा है मैंने, ठीक है, मार्च वाला करो, ठीक है 23 का, फिर उसके बाद ना 22 का कर लो, 22 का कर लो, मार्च कर लो, और यहाँ पर 22 का ना जुलाई कर लो, बस इतना 4 से 5, और 21 में भी एक हुआ है, ठीक है, तो इतने कर लो, बस इतने इतने 4 से 5 कर लो, 21 का एक बार देख लेना, 21 में भी एग्जाम हुआ है, ये 4 से 5 बस इतने ही कर रहे हैं, इसके पहले के नहीं कर रहे हैं, आपको इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है चलो, और किसी को कुछ पूछना है, ऐसे ऐसा नहीं है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम कॉलेज में है, 11 चैप्टर हुआ है, बाकी कैसे करूं, देखो आपके 11 हुए ना, आप उसी 11 को एकदम परफेक्ट वे में करके जाओ, उससे ज्यादा कुछ मत करो, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ भी मत करो, 11 चैप्टर में एक खाली ऐड कर दो, 12 कर लो, 60 नंबर तक का पेपर आप लिख के आ जाओगे, ये मेरी गारंटी, एक नंबर एक चैप्टर का वेटेज में 5 मार्क पकड़ लो, 12 फायदा होता है 60, ठीक है 60 नंबर तक का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर जो चैप्टर छोड़ रहे ना उसमें से इंपॉर्टेंट कर लो, खाली परफेक्शन की तरफ भागो, अगर आपने 12 चैप्टर्स पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, 11 से 12 खाली परफेक्शन की तरफ भागो, ठीक है चलो। अभी देखो बहुत से बच्चे ऐसे जिनका कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ, तो पढ़ना चालू करो, एक एक करके करोगे होगा, और ऐसे करो कि थोड़ा एक करोगे कॉन्फिडेंस आएगा, दो करोगे और कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा पर हो जाएगा, ठीक है अभी भी हो जाएगा, ध्यान से सुनना, अभी भी हो सकता है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपके सामने जो इंसान खड़ा है ना, ये आपको बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले तक बोलेगा कि हो जाएगा, और हो भी जाएगा, सच में बता रहा हूँ, बट होगा क्या,
इससे हो जाएगा बट अगर आपको सच में अच्छा परफॉर्म करना है ना तो जितना बोलते जा रहा हूँ अभी से परफॉर्म करो, 11 से 12 चैप्टर इनफ है, अच्छी तरीके से करके जाओ, बाकी के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट ऐड करो और धीरे धीरे कर लो यार, ग्रीन केमिस्ट्री 1-1.5 घंटे का चैप्टर कर लो, छोड़ो ओड़ो मत कुछ, ठीक है। चलो चलो, पेपर से बहुत अलग क्वेश्चन आते हैं, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इसमें आपको क्या करना चाहिए पता है क्या, इसमें आपको ना अथर्व, इसके अंदर आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप सैंपल पेपर सॉल्व करो, आपको नॉलेज है टॉपिक के बारे में, सब कुछ पता है, पर आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए आप सैंपल पेपर सॉल्व करो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो चीज से डर लगता है, तेरे को पता है कि तू साइकिल चलाते समय जब भी टर्न मारता है तो तू गिर जाता है, तो तू टर्न मारने का ही प्रैक्टिस कर, बार बार गिर, बार बार गिर, बार बार सीख, सीधी बात। एक मंथ में केमिस्ट्री में 75 कैसे लाए, 75 प्लस कैसे लेके आ सकते हो, 70 मार्क का पेपर है, ऐसी बातें मत करो, ठीक है। ठीक है, आगे के लेक्चर कब होंगे, सुमित पूछ रहा है, सुमित कल होगा लेक्चर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है साइड प्लीज, अच्छा ठीक है, सॉरी ले लो, ठीक है ले लो, पानी देना मेरे को, पानी प्यास लग रहा है, ठीक है ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। सर सारे नहीं हो रहे पीवाईक्यू, कुछ ऑल चैप्टर्स के करो, करो कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है, एक चैप्टर में से 4-5 2-3 क्वेश्चन ही होता है, तो 4-5 क्वेश्चन देखो, एक चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन होते, 2-3 पकड़ता हूं मैं, तो 5 पीवाईक्यूज में से कितने हो गए, 5 × 10 = 15 क्वेश्चन, आपको हर एक चैप्टर में से 15 क्वेश्चन करके जाने। बीएससी आईटी के लिए क्या क्या पूछ रहे थे, देखा नहीं मैंने, ठीक है। प्लीज बताओ ना कि हम गांव की, हमारा ट्रैवलिंग में ज्यादा है, देखो फोन में वीडियो डाउनलोड कर लो, देखते हो जाओ झमाझम कान में कॉर्ड लगाते हुए। आईपैक कब होगा, आईपैक का अगर आपको घाई है तो आप यहां से देख लो, ठीक है, यहाँ पर सर्च करना यूट्यूब पे आईपीएससी बाय अभिषेक सर केमिस्ट्री, आपको मिल जाएगा, बाकी मैं चैप्टर्स के बाद ही लेने वाला हूँ, ठीक है। चलो और किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, और 5-6 डाउट लेता हूँ फिर मैं बंद करता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, मेरे को कल का पीपीटी भी बनाना है आपका, बहुत काम है, बहुत काम रहता है मुझे भी, ठीक है, कल का आपका कंटेंट रेडी करना है, ठीक है। चलो, मस्त वाला एल्डिहाइड, वाला एल्डिहाइड बड़ा चैप्टर पता है ना, मैकेनिज्म बहुत कुछ है उसके अंदर, ठीक है। ऑलराइट चलो, एक सेकेंड ना, किसी ने कुछ पूछा सुपर चैट देख करके, 1 सेकेंड, ऐसा नहीं है मैं सुपर चैट वालों की देख रहा हूँ, ऐसा मत समझना, सबके देख रहा हूँ, ठीक है ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत हार्ड लग रहा है, प्रेम कह रहा है, प्रेम इनऑर्गेनिक के लिए आप क्या करो पता है क्या, आप सिंपल सिंपल नोट्स को रेफर करो, नंबर वन, ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे नोट्स का वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक के लिए क्या करो ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ऑर्गेनिक में देखो बहुत सारे 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पहले डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट मतलब समझता है, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, एसन1 SN2 रिएक्शन, तो आपको डायरेक्ट समझ में आएगा, डायरेक्ट आप सॉल्व कर लोगे। दूसरा आपको क्या पूछेगा, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, तो वो टाइम पे आपको ना थोड़ा सा वो मिलेगा, क्या बोलते हैं एक तरीके से, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है, थोड़ा पेपर में घसो हो जाएगा। माइंड मैप मैंने दिया है ना, आप देखो तो जा करके, 1 सेकेंड ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने दिया है क्या तुम लोग को, बहुत सारी चीजें मैंने दी है, तुम लोग चेकआउट नहीं करते रहोगे इसके, तुमको पता नहीं चलता रहेगा, ठीक है, 1 सेकेंड ना, एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ तुमको, ठीक है, 1 सेकेंड ना, और बाकी सब बढ़िया ना, घर पे सब कैसे, तुम्हारे मम्मी पापा, पापा कैसे तुम्हारे बताओ मेरे को, पापा का क्या हाल है तुम्हारे, कैसे है वो, उनको पूछो कैसे है वो, बोलना अभिषेक सर आपको पूछ लेते, ठीक है, बोलना मेहनत कर रहे हैं हम लोग साथ में, आप और मैं डेली, ठीक है। इधर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको 1 सेकेंड ना, यहाँ पर ऐप में कंटेंट में देखोगे ना कुछ मिलेगा अच्छा खासा, बहुत सारी चीजें डाल रखी है मैंने, ठीक है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की है, टेस्ट पेपर्स भी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है सबके। ऑलराइट 1 सेकेंड रुको, और रुको 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुको, खाली चालू रखो, हाँ, सैंपल पेपर, यूट्यूब नोट्स, खजाना, माइंड मैप डाला है मैंने शायद से, जहाँ तक मेरे को याद है, हाँ माइंड मैप है ना इधर पे, माइंड मैप पे क्लिक करना, ठीक है, ये देख लो मस्ते की, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का सबका दे रखा है, ऑर्गेनिक का भी दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर देख लो पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे देखो अल्कोहल फिनॉल का है, ये देखो सारा का दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर देख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हैलोजन डेरिवेटिव्स का, सैंडमर रिएक्शन यहाँ पर दे रखा है, उसके नीचे वर्ड्स फीडिंग है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शन है, फीडिंग रिएक्शन है, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल में देखो क्या रखे रखा है, डाउ प्रोसेस दिया है, ठीक है, एस्टरीफिकेशन दिया है, ऐसी आप लोग भी बना सकते हो, कोलबे रिएक्शन दिया है, ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, अमाइंस का भी दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा आपको भी। ऑलराइट चलो खत्म करें फिर इसको यहीं पे, ऑलराइट इसको यहीं पे खत्म कर दे फिर, एक दो लोग के और कुछ पूछना किसी को, देख लेना इसको क्या क्या करवाया, ठीक है, चलो
चले फिर खत्म करें सेशन को, खत्म करें प्लीज जल्दी आईएमपी दे दो। देखो इतना समझाने के बावजूद भी आईएमपी मांग रहा है लड़का, मांगना पड़ेगा ठीक है। चलो चलो फिर खत्म करते हैं इसको ठीक है, चलो बाय बाय। सर जो स्टूडेंट जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। सर मैथ्स के लिए क्या करें, चैनल पे लेक्चर चालू होने वाला है, सर प्लीज अभी दे दो। अरे ऐसा मत बोलो ठीक है, टाइम है ना, अभी थोड़ा पढ़ो ना, लास्ट में इंपॉर्टेंट करना ना। अभी एस सी आई टी के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, ग्रुप क्राइटेरिया क्लियर करो, और बिना सी ई टी के भी हो जाता है अभी एस सी आई टी, अगर देख लो तुम्हारे आजू बाजू के कॉलेज रहेंगे हो जाता है वहाँ पे। सर देखना एक बार रूल भी शायद से अपडेट हुआ है कि नहीं, सर चैप्टर हुए लेकिन फिर लगता है नहीं हुए, तो इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करते रहो, आखिरी तक लगेगा नहीं हुआ है। एग्जाम के जब जा रहे रहोगे ना तभी भी ऐसा लगेगा कुछ पढ़ के नहीं हुआ, जब एग्जाम में बैठोगे जय महाकाल जय श्री राम चालू हो जाना, हो जाएगा सब ठीक है, भगवान का नाम लेना हो जाएगा सब कुछ अच्छे से, बस प्रैक्टिस कर देना। गिव एनी टिप्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी अभी बताया माइंड मैप से पढ़ाई करो ठीक है। सर आप कहाँ रहते हो, थाने में, मैं थाने में नहीं रहता ठीक है, थाने में तो मैं बिल्कुल नहीं रहता ठीक है, अजय सर रहते हैं थाने में ठीक है, उनका क्लासेस है थाने में, मैं नहीं हूँ थाने में, मैं तो पता है ना कहाँ पे रहता हूँ, पता नहीं। सर बायोलॉजी कहाँ से करें, ये तो मेरे को भी नहीं पता यार, यूट्यूब पे कोई पढ़ा वड़ा नहीं रहा क्या, तुम लोग को कोई मिल नहीं रहा है मेरे से पूछ रहे हो, सर रोज क्या पूछ रहे हो, एक सेकेंड। सर फाइनल एग्जाम के पहले आपके लेक्चर कैसे मैनेज करना होगा, मैं बता तो रहा हूँ ना, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायो का कुछ बता दो, बायो का देखो नहीं बता सकता, अभी शादी भी नहीं हुआ है, मेरी शादी वादी होती तो ये लड़की लेके आता, मतलब जो लेके आता मेरी वाइफ उसको बोलता था डायरेक्ट बायो पढ़ाने के लिए यहाँ पे, यहाँ बोर्ड पे बहुत मजा आता आपको, कैसा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब हो जाता फिर, कोई ढूंढो चलो मजाक कर रहा हूँ ठीक है, होगा वक्त वक्त की बात है ठीक है, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता, तब तक केमिस्ट्री पढ़ा सकते हमारे चैनल पे। पी वाई क्यू कहाँ से मिलेंगे, सर बता दो आप, गेमिंग वाला बच्चा पूछ रहा है, ए एस सी ऐप पे मिलेगा, पानी पी लो, वरुण बोल रहा है थैंक यू सो मच। साइकोलॉजी कैसे करूँ, साइकोलॉजी सब्जेक्ट मेरे को नहीं आता ठीक है। चलो सर ओरिएंटेशन का लेक्चर होगा, होगा होगा बहुत जल्द होगा, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। सैंपल पेपर कहाँ से करें, दे के तो रखा है बेटा, ऐप पर दे रखा है, ऐप पर दे रखा है, यहाँ देख लो फिजिक्स एंड रिटन नोट्स थोड़ा सा दे रखा है, बाकी का अजय सर के ऐप पे है, और यहाँ पर देखना सैंपल पेपर है ना, यहाँ पर 2023 उत्तम का दे रखा है, और एक और पेपर दे रखा है यहाँ पर देखो, ये एक हो गया और एक और दे रखा है, नवनीत का भी दे रखा है, जा करके करो जमा, जब हो जाएगा करोगे तब ना होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा ठीक है। चलो दे रखा है सब कुछ, जा करके देखना और कुछ, चलो फटाफट पूछो अभी ठीक है। थैंक यू सो मच नेहा कैरी, वेलकम बेटा, अभिषेक सर जीनियस, थैंक यू सो मच। बदलापुर में रहते हो क्या, नहीं बदलापुर में मैं नहीं रहता, कौन बोल रहा है, झूठी झूठी अफवाह फैला रहे हो। सर आपने सीटी बैच में न्यूमेरिकल्स लोगे ना, हाँ जरूर लेंगे, सवाल है क्या कुछ, अभी लेने वाले थोड़े दिनों में ठीक है। लव फॉर अभिषेक सर, थैंक यू सो मच। लक्ष्मण इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का क्या करें, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस नहीं बेटा आइडिया नहीं है मेरे को। सर सब टॉपिक्स का याद कैसे रखें, लिख लिख करके, पी वाई क्यूज में कितने परसेंटेज आ सकते हैं, अच्छे खासे आ सकते हैं, तुमको ये तो समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर में से आता है, कौन से में से नहीं आता है, और कौन सा टॉपिक आता है। सर सिर्फ पी वाई क्यू करें कितना परसेंटेज बनेगा, प्रीवियस ईयर के साथ साथ सैंपल पेपर भी सॉल्व करो, मजा आएगा ठीक है। अभी मैं कराने वाला हूँ तुमको, टेंशन मत लो, दिखाऊंगा तुमको अभी, बाद में दिखाऊंगा कभी ठीक है, तुम्हारे लिए सब माल वाल मंगाया मैंने एकदम अच्छा अच्छा वाला, नया नया अपडेटेड अपडेटेड कराऊंगा मैं तुमको, टेंशन मत लो, अभी हम सब कराने वाले हैं, अभी बहुत सारी लहर आने वाली है इस चैनल पे ठीक है। चलो लाइक मार देना फटाफट से जमाझम ठीक है, मिलते हैं कभी ऐसे ही, कल कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कल मूड बना करके आना ठीक है, कल 7:30 बजे लेक्चर होगा ठीक है, पक्का होगा मतलब 100% होगा ठीक है। चलो बाय बाय, राधे राधे, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल। अच्छा खासा आपसे बात कर लिया, अच्छा लगा मेरे को बात करके, पता तो चला कि मेरी ऑडियंस का दिमाग में क्या चलता है ठीक है। चलो राधे राधे, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र बच्चों, बाय बाय, राधे राधे।